शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि तकनीक का अधिक उपयोग कर लोगों को सुविधाएं प्रदान करना अधिकारियों का कर्तव्य होना चाहिए। उन्होंने नगर निगम को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित ट्रैफिक लाइटों के बिजली बिल अदा करने के निर्देश दिए, ताकि शहर की ट्रैफिक लाइटों को उपयोग में लाकर पुलिस कर्मियों की सेवाएं अन्य कार्यों के लिए ली जा सके। उन्होंने बताया कि शिमला नगर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और हादसों में कमी लाने के लिए शिमला व इसके आसपास के क्षेत्रों में अमृत मिशन के तहत फुटओवर ब्रिज का निर्माण और सड़कों को चौड़ा करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शिमला नगर निगम क्षेत्र में 1350 जगहों को येलो लाइन पार्किंग के लिए चिन्हित किया गया है। विकास नगर शिमला में 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पार्किंग की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। उन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत पुलिस के सुझावों को शामिल करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यहां चर्चा कार्यक्रम में संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा सुझाए गए बिंदुओं पर अमल किया जाएगा। मंत्री ने पुलिस द्वारा नशा निवारण के संबंध में किए गए सर्वे और उसके निवारण के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने लोगों से अपील की कि समाज को नशा मुक्त बनाने और युवाओं के जोश व शक्ति को सकारात्मक दिशा प्रदान करने के लिए पुलिस का साथ दे। उन्होंने शिमला नगर की विभिन्न नशा निवारण समितियों, पुलिस क्लब व विभिन्न स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों व अन्य संस्थाओं से इस संबंध में सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि नशा कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस व लोग मिलजुल कर कार्य करें, ताकि उन पर सख्त कार्यवाही की जा सके। उन्होंने पुलिस विभाग द्वारा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए गहन शोध के बाद प्रकाशित शिमला सिटी ट्रैफिक रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट प्लान दस्तावेज का अनावरण किया और विधि रूप से इस कार्य योजना का शुभारंभ भी किया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक मोहित चावला की इस पहल के लिए सराहना की। उन्होंने नशा निवारण समितियों के सदस्यों को बैच भी प्रदान किए। नशा निवारण की दृष्टि से प्रवीर जी ने जो प्रेजेंटेशन दी है, इस पर निश्चित रूप से जो है वो बहुत अधिक मेहनत की गई है और ये आज इस बात को भी दर्शाता है कि हमारे प्रदेश की पुलिस इस ब्रिटिश इंडिया की ग्रीष्मकालीन राजधानी, जहां से आधी दुनिया के ऊपर अंग्रेज राज किया करते थे, उस कॉलोनियल माइंडसेट को बहुत पीछे छोड़ करके आम जनता की मित्र के रूप में जो है वो पुलिस जो है वो अगर कहीं दिखाई दे रही है, तो आज के इस कार्यक्रम से आप जो है। परिचर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने शिमला शहर के लिए विभाग द्वारा प्रस्तावित शिमला सिटी ट्रैफिक रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट प्लान बारे विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 7 महीनों के गहन शोध के उपरांत 70 पेजों के इस दस्तावेज को तैयार किया गया है, जिसमें यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रत्येक बिंदु शामिल है। शिमला सिटी ट्रैफिक रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट प्लान क्या है, क्या इससे पर्पस सॉल्व होगा, आने वाले परिप्रेक्ष्य में हमें कैसे मददगार होगा, वो सारा डिस्कस करने से पहले मैं हॉल के समक्ष कुछ 4-5 इम्पॉर्टेंट बातें रखना चाहूँगा। सर, हम जानते हैं हमारी जो शिमला सिटी है, अब स्मार्ट सिटी का दर्जा है इसको, ये ब्रिटिशर्स ने बसाया हुआ शहर है और तकरीबन 1865 से लेकर 1939 तक ये ब्रिटिश राज की समर कैपिटल भी रहा है। सर, ये शहर जब डिजाइन हुआ, बना, डेवलप हुआ, प्लान हुआ, उस समय कार्स चला करती थी, रिक्शा पुलिंग हुआ करती थी, समय के साथ मोटराइज गाड़ियां भी आई, बट इतना ट्रैफिक लोड और इतनी पॉपुलेशन के लिए ये शहर उस समय नहीं बना था। इसकी लिमिटेशंस हैं सर, हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं मिसमैच हुआ डिमांड और सप्लाई के बीच में। सर, अगर हम कुछ फिगर्स पे ध्यान दें, शिमला जिले में आज के समय में तकरीबन 2.25 लाख के आसपास गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं सर, और 1,20,000 गाड़ियां तो केवल शिमला शहर में रजिस्टर्ड हैं। पार्किंग अवेलेबिलिटी जो ऑन रिकॉर्ड हमारे पास है वो सिर्फ 2500 गाड़ियों की पार्किंग है सर। सर, हमने एक स्टडी किया लास्ट ईयर, बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर सामने आया, जब 24 दिसंबर 2020 पोस्ट कोविड जो रिलैक्सेशन अभी हुई, 24 दिसंबर 2020 से 3 जनवरी 2021 तक शोगी बैरियर पे 1,43,000 गाड़ियां क्रॉस की, इतना टूरिस्ट इन्फ्लक्स। तो हमारी पॉपुलेशन का व्हीकल
शिमला बींग पॉलिटिकल कैपिटल, शिमला बींग इकोनॉमिक कैपिटल, शिमला बींग एजुकेशन कैपिटल, शिमला बींग हेल्थ कैपिटल, इतना कुछ हमारा ये शहर झेल रहा है। बहुत चीजों की आवश्यकता है सर।